नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण चौहान और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी वीडियो नेटवर्क। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पर जिसके बारे में कहा जाता है कि ये चीज़ अभी नई चीज़ आई है, लेटेस्ट है, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये लेटेस्ट होने के बावजूद हमारे ऊपर एक बर्डन टाइप है, एक बोझ टाइप है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इस टॉपिक पे जब मैं सारा डिस्कस सर्च कर रहा था तो मुझे एक गाना बिल्कुल ध्यान आया, और वो गाना था इलू इलू क्या है। और उसके बारे में जब मैंने ये चीज़ जोड़ी तो मुझे एक गाने को थोड़ा मैंने टर्न किया और गाना बन गया, ये हाइब्रिड हाइब्रिड क्या है, ये हाइब्रिड हाइब्रिड। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइब्रिड सिम स्लॉट के बारे में। तो जहाँ तक मुझे पता चला है कि, और मैं साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मुझे इस बात की जानकारी है कि हाइब्रिड शब्द क्या होता है और वो कहाँ से आया है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये हाइब्रिड शब्द का हिंदी में अनुवाद होता है संकर। संकर मतलब मिक्स करके हम किस चीज़ को बनाते हैं जब, तो वो संकर प्रजाति हो जाती है। जैसे कि भेड़ को किसी, जैसे भेड़ का क्लोन करके किसी बकरे में कर दिया गया, तो एक जो नई प्रजाति उत्पन्न होती है उसे संकर प्रजाति कहते हैं। ये बिल्कुल, और जैसे, या फिर हम दो चीज़ मिक्स करके एक तीसरी चीज़ अलग बना देते हैं तो उसे संकर कहेंगे, हाइब्रिड कहेंगे। तो वैसे ही इन्होंने आजकल जो नई टेक्नोलॉजी के नाम पर ये हाइब्रिड सिम स्लॉट बनाया है, ये दोस्तों बहुत ही बेकार है, बकवास है, वाहियात है। आप बोलेंगे क्यों? देखिए, हम भारतीयों की आदत क्या है, हम क्या करते हैं, कम से कम हमारे पास दो नंबर तो होते ही हैं। दो नंबर होने के बाद हमको ढेर सारी फ़ोटो खींचने की भी आदत है, ढेर सारे वीडियो रखने की है। वीडियो नहीं रखते हैं तो भी हम शेयरिंग करते रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रखते हैं, तो हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे वो रैम है, चाहे रोम हो, जो इंटरनल उसकी स्टोरेज मेमोरी होती है, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हम क्या करते हैं कि दो सिम स्लॉट वाला, पहले तो एक सिम स्लॉट आता था, लेकिन भारतीयों के हिसाब से इन्होंने दो सिम स्लॉट, और कई लोग तो चार चार पाँच पाँच दे देते हैं, तो लेकिन दो ही काफ़ी है। तो दो सिम स्लॉट का जब बना रखा है इन्होंने, अब इन्होंने क्या कर दिया कि इसको हाइब्रिड बना के डाल दिया। अब हाइब्रिड बनाने से ये हुआ कि अगर हमको मेमोरी अगर एक्सपांड करनी है तो हमको क्या करना पड़ता है कि एक सिम को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हो सकता है कि वो आपके काफ़ी सारे नंबर वो बढ़ चुके हों, अगर आप डाटा को यूज़ कर रहे हैं एक सिम, और दूसरी सिम अगर आपकी कॉल वाली है, या फिर नंबर बहुत सारे बढ़ चुके हैं, तो आपको हो सकता है कॉल आना बंद हो जाएगा क्योंकि आपने एक एक्सपांड करने के लिए मेमोरी कार्ड लगा दिया है। तो होता क्या है कि हमें एक सिम सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सिम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो हमें मेमोरी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, हमें कम डाटा वो सेव करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा, और मैंने सोचा कि आपसे इस बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि हम सब, ये चूँकि एक कम्युनिटी है, ये एक फैमिली है, तो मैं आपके साथ अपनी मन की बात रखना चाहता हूं, अपनी व्यूज़ रखना चाहता हूं कि आखिर मैं क्या सोचता हूं इस बारे में। तो दोस्तों, मेरी इस बारे में यही राय है कि जो हाइब्रिड सिम स्लॉट है उसे बंद कर दिया जाना चाहिए, डेडिकेटेड सिम स्लॉट हो, डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट हो, क्योंकि ये होंगे तो आप सोचिए जगह कितनी घेरते हैं ये, आखिर ज़रा ज़रा सी जगह तो रहती है, कार्ड स्लॉट में इतना सा स्लॉट बनाना रहता है और कुछ नहीं रहता है, ये आखिर ऐसा कर क्यों रहे, ये मुझे समझ में नहीं आया है, और ये ढेर सारी कंपनी कर रही है तो मैं किस किस को लिखूँ, मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करता हूँ, अगर हम सब मिलकर सभी कंपनीज़ को ये बोलेंगे कि भाई हमें ये हाइब्रिड सिम स्लॉट नहीं चाहिए, हमें डेडिकेटेड टू सिम स्लॉट चाहिए और डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट चाहिए, तभी हम आपकी चीज़ों को आगे और ख़रीदेंगे और इसको इंडोर्स करेंगे वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि कंपनीज इस चीज़ को समझें, अगर नहीं भी हम बोलते हैं तो कम से कम बात तो उठाएँ, ताकि उन तक आवाज़ पहुँचे कि भाई हम क्या गलत कर रहे हैं। अगर किसी, कोई गलत कर रहा है उसको हम कुछ बताएंगे नहीं तो गलत ही करता रहेगा, हमेशा गलत रास्ते पे जाएगा। तो इसलिए कंपनीज़ को बताने के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैंने आज इस चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाई, और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस आवाज़ का हिस्सा बने। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक पर मैंने बात की हाइब्रिड, तो आपको समझ में आ गया होगा हाइब्रिड सिम क्या होती है। ये यहाँ पर देखिए, ये हाइब्रिड सिम स्लॉट का एक नमूना है, और ये सच में नमूना ही है। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये किसी के नाम पर नहीं है दोस्तों, ये मैंने
इस चीज़ को ये ध्यान में रख के बनाया है कि मैं एक फैमिली बनाने जा रहा हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे अलग अलग बना रखे लेकिन फैमिली किसी ने नहीं बनाई दोस्तों, कोई ये बोल के नहीं करता कि ये फैमिली है। मैं इस फैमिली को बनाने जा रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ सजेशन है, कुछ सुझाव है, कुछ कंप्लेंट है, कुछ रिक्वेस्ट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप लिख के भेजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपका सुझाव है और वो जायज़ है तो बिल्कुल मैं उसको सराखों पर लूँगा और उसे आगे बताऊँगा, क्योंकि मैंने कुछ टॉपिक्स पे, कुछ वीडियोस पे लोगों के सुझाव भी लिए हैं, उनसे मैंने राय भी ली है कि भाई ये सही क्या है, इसमें गलत क्या है। तो दोस्तों ये एक फैमिली है, तो इसलिए आप इस फैमिली को सब्सक्राइब कीजिए, इस फैमिली का मेंबर बनिए। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, आमंत्रण देता हूँ, तहे दिल से मैं आपका यहाँ पर इस्तकबाल करता हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस फैमिली का हिस्सा बने। और ये वीडियो में जो मैंने टॉपिक उठाया है हाइब्रिड का, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ढेरों लाइक कीजिए, ताकि कंपनीज तक हमारी ये आवाज़ पहुँच जाए, और दूसरों को शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे भी इस हमारे इस रेवोल्यूशन, इस आंदोलन का हिस्सा बन सकें। तो दोस्तों ये था हाइब्रिड के ऊपर मेरी राय, और अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। ओके बाय, जय हिंद।